पिछले 11 सालों से है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे मतलब प्रयासों की जीत क्यों नहीं हो रही है? सरकार की क्या मंशा है? सरकार को दे देना चाहिए, हम इतने बिलख रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो हमें मतलब दे क्यों नहीं देते? 6029 पद जो कि 11 सालों से चल रहे हैं, लंबी प्रोसेस के बाद तो हमें मतलब बेरोजगारों को नियुक्ति प्रदान करने में सरकार के आखिर जा क्या रहा है? तो मैं तो बस इतना गुजारिश करूंगा कि सरकार हमें नियुक्ति प्रदान कर दे, ताकि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना पड़े। जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें उनकी हार ना हो जाए, और हम चाहते हैं कि बीजेपी शासन आए और वही कायम रहे हमेशा। हमें नियुक्ति चाहिए बस। हम पिछले 9 साल से लगातार अपनी भर्ती की मांग को लेकर दर दर सरकार के दर दर पर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, जुमला देने के सिवाय ये कोई काम नहीं कर रही है। हम बेरोजगार हैं, हम रोजगार मांगने के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? सीएम साहब के पास, चाहे सीएम बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सीएम साहब के पास अपने ही राज्य के बेरोजगारों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। हम लगातार बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सीएम से मिलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो सीएम हैं, जो भजन लाल जी हैं, उनके वो इतने कितने बिजी हो गए कि अपने ही प्रदेश के जो बेरोजगार साथी हैं, बेरोजगार जो युवा है, उनसे मिलने के लिए उनके लिए टाइम नहीं है। कांग्रेस सरकार का जब कार्यालय था तब भी हम लगातार इसी तरीके से भटक रहे थे, लेकिन जो अशोक गहलोत जी जो थे उनके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम लगातार 6 महीने तक हमने संघर्ष किया, दिल्ली तक हमने धरना दिया अपनी भर्ती को मांग के लिए और उनसे मिलने के लिए, लेकिन आज तक न तो हम बीजेपी सीएम से मिल पाए हैं और न हम कांग्रेस के सीएम से मिल पाए हैं। हम बेरोजगारी की मांग अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगी? हम सरकार से कोई जायदाद नहीं मांग रहे, हम सरकार से उसकी जान नहीं मांग रहे, हमारा हक है रोजगार, और हम अपना रोजगार जो हमारा हक है वो रोजगार मांग रहे हैं। कृपया करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी बात को सुने और जल्द से जल्द हमें पंचायती राज LDC 2013 जिसके अंदर 6029 पद खाली पड़े हैं, इन पदों के ऊपर जल्द से जल्द नियुक्ति देकर हमारे 6029 परिवारों का भला करें। धन्यवाद। हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि हम जो वंचित अभ्यर्थी हैं 6029, इनको जल्दी से जल्दी न्याय दे, जिससे कि ये पीड़ित अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। आज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 6029 पदों को पूरा करवाने के लिए सरकार से बार बार निवेदन करने के बाद आज 5 तारीख को हम यहाँ पर शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमारी 2013 की भर्ती है जो आज तक भी 6029 पोस्ट बाकी पड़ी हुई है, और इसके लिए हमने अभी तक किरोड़ीलाल जी से भी करीब 10 बार मिल चुके हैं, मंत्री जी से भी 10 बार मिल चुके हैं, सीएम साहब के पास भी 2-3 बार ज्ञापन पहुँचा दिया है, लेकिन आज तक हमारी बात का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज से हमने यहाँ पर धरना स्टार्ट किया है, रात को हम किरोड़ीलाल जी के बंगले पर बैठेंगे और कल से वहीं पर हम आमरण अनशन करेंगे।